हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है टीचर्स डे और यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छे तरीके से टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। मेरे सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। और कल का वीडियो आपने देखा ही होगा, ऑडिशंस हुए थे, आज फाइनल होगा। और देखिए मैं भी रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइए। और साड़ी पहननी नहीं आई है तो अभी जा रहे साड़ी पहनेंगे। बाकी वीडियो पे बने रहे, ब्लॉग आज का बहुत अच्छा होने वाला है। सेलिब्रेशन हो गया और बहुत अच्छा रहा, ये बहुत प्यारी लग रही है। कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। मैं साड़ी वाड़ी पहन के आई हूँ, कैसी लग रही हूँ। और अब हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम, वहाँ पे अच्छा प्रोग्राम होगा और वहाँ डांस करेंगे, गानों का। हालांकि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा हुआ, बट ऑडिटोरियम में और अच्छा होगा। हमने बिना माइक के बहुत अच्छा किया और तारा मैम विनर बनी, जैसे कि आपने देखा वीडियो में। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा अच्छे परफॉर्मेंस किया, मैंने भी किया। मैंने भी उन्होंने क्या किया तुमको देख लिया ना? अच्छा, मेरे को देखने का काम किया। तो वीडियो पे बने रहे, बहुत लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आगे, और आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे ऑडिटोरियम में क्या क्या हुआ। हालांकि हम थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि हमारा लिफ्ट खुला हुआ है। मिलते हैं, हम लाउड हो जाए आजकल, जल रही है दूसरी वाली। सुनो ना, तो दोस्तों मुझे माला पहनाया है इतनी सारी, और क्या पद मिला है मुझे भी नहीं पता। मतलब बताओ क्या मिला है, कौन सा पद मिला है मुझे? बेस्ट अवार्ड गया है निशा को, क्योंकि ये कॉलेज नहीं आती इसके लिए इतनी सारी माला। दोस्तों आज है टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे मेरे सभी टीचर्स को। और सबसे बड़ी टीचर तो मेरी मम्मी है, और बाकी मैं मम्मी के बिना जीवन अधूरा है। और आज मम्मी मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि मम्मी जो भी हो सुबह उठते हैं, चाय मिल जाता है, नाश्ता मिल जाता है, कॉलेज जाना हो टिफिन मिल जाता है। बहुत मतलब मम्मी के बिना तो लाइफ एकदम अधूरी मेरी तो है। और आज साड़ी भी देखिए लपेट के आए हैं, मम्मी ने पहनाया नहीं क्योंकि मम्मी थोड़ी बीमार है। तो लव यू मम्मी, मुझे हमेशा अच्छी अच्छी सीख देने के लिए। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ऑडिटोरियम, और यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स का प्रोग्राम होगा, सभी डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स और टीचर्स आएंगे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है ऑडिटोरियम में, आप लोगों को पता ही है। तो अभी सामने चल रहा है कल्चर प्रोग्राम, और बाहर बहुत तेज का दादी तूफान आ गया है। जलसी
सभी लोग बैठ जाइए, पहले अटेंडेंस दे लेते हैं, आप लोग पीछे बात मत करिए, जिसको बात करना है वो भी क्लास से बाहर कर देगा, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा आपको। मैंने अखबार को भेजा है, तो किसने किसने अखबार पढ़ लिया आज का, बाकी लोग क्यों नहीं पढ़े? आप लोग मीडिया के क्षेत्र में आने लायक बिल्कुल भी नहीं, मीडिया पर्सन के पास हर एक खबर रोज। जहाँ गुरुओं की वाणी हो वही उद्धार होता है, मुझे लगता नहीं गुरुओं से बढ़कर है यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ वो साथ होते हैं। मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है वो पीछे बैठते थे, गुरु की अवज्ञा जो करता है उसके लिए चार बंदी, भटकना जिनकी आदत है कभी वो राह नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर। निशा तिवारी डालना।